सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मत्स्यगंधा मोड़ पर दिन दहाड़े हुई लूट मन्नतगढ़ व गलत साबित हुआ है, जिसका सफल उद्भेदन कर पुलिस ने वास्तविकता को उजागर किया है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार ने कार्यालय विषम में प्रेस वार्ता आयोजित कर संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी है। वहीं सहरसा में फाइनेंस कंपनी के द्वारा बताया गया कि 10 दिनों का बैंक का कलेक्शन किया हुआ रुपया यूनियन बैंक सहरसा में जमा करने के लिए एक पीठू बैग में लेकर मोटरसाइकिल से नवहट्टा से सहरसा आ रहे थे, तभी बसा बैलचौक मत्स्य गंधा झील के पास से एक मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर और चाकू से वार कर घायल कर 8,53,000 रुपये लूट लिए गए थे। घटना की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तथा घायल फाइनेंस कर्मी को सदर अस्पताल में इलाज करवाया गया। वहीं घटना का फर्द बयान लिया गया और घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया तो कोई मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात अपराधी को नहीं पाया गया। वादी द्वारा दिए गए फर्द बयान में विरोधाभास पाने पर वादी को संदिग्ध मानते हुए वादी के घर की तलाशी ली गई तो उसे घर से 8,32,000 रुपये बरामद हुए। कांड में संलिप्त अन्य फरार अपराधकर्मी के सत्यापन एवं गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। सुबह 10 बजे के आसपास 10:15 के आसपास SHO सदर को एक फ़ोन पे सूचना मिली कि एक व्यक्ति हैं जो CSP संचालक कलेक्टर एजेंट का काम करते हैं, राजनंदन कुमार पिता महेश मिस्त्री, जिन्होंने फ़ोन करके बोला कि यह जाना स्मॉल फिनेंस बैंक के कर्मी हैं और बसा बैल चौक मत्स्यगंधा झील के पास यह जो कलेक्शन का पैसा है कुल 8,53,000 के आसपास इन्होंने बोला था, उसको कुछ अज्ञात अपराधियों ने अपाची बाइक से आके लूट लिया है और इन्हें चाकू से जख्मी भी कर लिया है। यह घटना काफ़ी गंभीर थी। तुरंत SDPO सदर के नेतृत्व में एक SIT बनाई गई उसी समय और जो टीम थी वो अपना काम करना शुरू कर दी। सबसे पहले हम लोगों ने जो CSP संचालक थे उनसे जो हम लोग पूछताछ किए और हम लोग CCTV ट्रेल वगैरह देखना शुरू किए और आगे का जो टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू किए तो हमें इनके जो बयान है उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस लगने लगे। बाद में ऐसा भी ये बोल रहे थे कि एक मेन रोड को छोड़ के जहाँ पे हमारी 112 की गाड़ी थी उसको छोड़ करके यह एक पतली गली को पकड़ लिए थे, कच्चा रोड को पकड़ लिए थे। ये बात जब बोल रहे थे तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, हमें उन पर शक हुआ।